थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को 16-17 के इस के लिए अपनी तरफ से बधाई और धन्यवाद देता हूं। संजोग बहुत अच्छा है, पिछले पहले बजट में भी मुझे भाषण देने का अवसर मिला था और माननीय वित्त मंत्री जी उस समय बैठे थे और आज भी माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर हैं। पिछले 1.5 वर्षों से मैं पहली बार उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से चुन करके आया हूं। पिछले 1.5 वर्षों से पार्लियामेंट में आने के बाद लगातार मुझे लगता है पिछले 60-65 वर्षों में जितनी किसान और गरीब की चर्चा नहीं हुई होगी, पिछले 1.5 वर्षों में वो चर्चा हुई है। और चर्चा ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने लगभग 55-60 वर्ष देश की सरकार चलाई है, अलग अलग प्रदेशों की सरकार चलाई है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी किसानों की चिंता की जाए, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी मजदूरों की चिंता की जाए, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी गरीबों की चिंता की जाए। लेकिन अगर आज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब सरकार बनी, मैं सांसद बना। सांसद बनने के बाद मैं जब क्षेत्र जाना शुरू किया तो तमाम प्रकार की मांग हमारे सामने आती थी। जो सबसे बड़ी मांग हमारे सामने आती थी, लोग कहते थे कि सांसद जी मैंने आपको वोट दिया है, आपको मैंने सांसद बनाया है, मेरे गांव में अभी खंबा तार ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, विद्युतीकरण नहीं हुआ है, आप हमारे गांव का विद्युतीकरण करवा दीजिए। मैं जब अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा भाई हमारे पास तमाम लोग आते हैं, गांव में खंबा तार उनके नहीं लगा है, विद्युतीकरण नहीं हुआ है, रोशनी उनके गांव में नहीं पहुंच रही है, खंबा तार कितने गांव में लगाया जा सकता है, आप बताइए, मैं अपने निधि से लगवाता हूं। जो आंकड़ा हमारे जिले के अधिकारियों ने दिया वह सुन करके माननीय सभापति जी आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लगभग 6500 गांवों में, गांव माने पूर्वा पूर्वी मिला करके, टोली टोला मिला करके 6500 गांवों में विद्युतीकरण 68 वर्षों में नहीं हुआ। मैंने जब अधिकारियों से पूछा कुल कितने पूर्वा पूर्वी हैं, तो उन्होंने कहा लगभग 10,500। मैंने कहा परसेंटेज निकालिए, अधिकारियों ने कहा लगभग 63-64% गांवों में खंबा तार ट्रांसफार्मर नहीं लगा। हर व्यक्ति ये सोचता है, हर नेता ये सोचता है, अधिकतर हमारे विपक्ष के माननीय कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता इधर भाषण कर रहे थे, बड़े बड़े परिवारों से जीत करके आए हैं, वो भी अपने पारिवारिक बैकग्राउंड पर, उनके पिताजी ये सोचे होंगे कि हमारा लड़का सांसद होगा, हमारी बेटी सांसद होगी, मंत्री होगी, प्रधानमंत्री होगी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जिन्होंने वोट दिया है, जो गरीब गांव में रह करके हमको यहां तक पहुंचाया है, उसका भी बेटा रोशनी में पढ़ाई कर सके, पंखे के हवा के नीचे वो सो सके, उसको भी आराम मिले। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी आते ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 2018 तक कोई गांव नहीं बचेगा, कोई पुरवा नहीं बचेगा, कोई घर नहीं बचेगा जहां खंभा तार ट्रांसफार्मर नहीं लगवा देंगे। और मैं ये केवल बजट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रैक्टिकल कर रहा हूं। हमारे जिले में मैंने 4200 गांवों में खंभा तार ट्रांसफार्मर पहुंचा दिया। आने जनधन योजना की बात हुई, माननीय मोदी जी ने नहीं रोका था, माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने नहीं रोका था कि हमारी सरकार आएगी तो गरीबों का खाता खुलवाएंगे। हमारी सरकार आने के बाद 22 करोड़ लोगों का खाता हमारी सरकार ने खुलवाया, जिन्होंने बैंक का दर्शन नहीं किया था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, पैसा नहीं होगा तो बैंक नहीं जाएंगे, बैंक नहीं जाएंगे तो उनका खाता नहीं खुलेगा। हमारी सरकार ने कहा 0 बैलेंस पर हम खाता खुलवाएंगे, और केवल खाता नहीं खुलवाएंगे, 1,00,000 का दुर्घटना बीमा देंगे, 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस देंगे, 5,000 रुपया ओवरड्राफ्ट करने की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था, हमारी पार्टी ने नहीं कहा था कि माननीय कांग्रेस के नेतागण हमारी सरकार आएगी तब हम काम करेंगे, आप काम न करिए। अभी आने वाले समय में जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, मुद्रा बैंक माननीय वित्त मंत्री जी ने लाया, मेरे स्वयं के जिले में, मैं अभी कल ही आंकड़ा लेकर के बस्ती से आया हूं, 3400 ऐसे बेरोजगार नौजवान जिनके पास पैसा नहीं था, वो बेरोजगार होकर के घूमते थे, उनको कुछ काम करने के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा था, हमारी सरकार ने व्यवस्था किया मुद्रा बैंक की। मुद्रा बैंक के माध्यम से पूरे देश में लगभग 2.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला है, जिसमें बस्ती जिले में 3400 मिला है। मैं भी प्रयास करूंगा आने वाले समय में 15,000-20,000 नौजवानों को हमारे जिले में स्वरोजगार, मुद्रा बैंक के माध्यम से स्वरोजगार करें, अपने परिवार का खर्चा चलाएं। तमाम प्रकार की हमारी सरकार ने योजना लाई। माननीय सभापति जी, मैं साल भर में पार्टी समय मांग रहा था, पहली बार समय मिला है, मुझे 2 मिनट 5 मिनट का और अवसर दिया जाए। मैं बीपीएल कार्ड धारकों की बात कर रहा हूं,
किसने ये सोचा कि जिनके जो गरीब हैं उनके गरीब के घर में लकड़ी पर भोजन बनता है, कंडी पर भोजन बनता है, आग निकलती है। अभी एक विज्ञापन आ रहा भारत सरकार का, विज्ञापन में कहा जा रहा है कि 100 सिगरेट जो व्यक्ति एक व्यक्ति पीता है तो 100 सिगरेट के बराबर एक दिन में कोई महिला घर में भोजन बनाती है उसके उसका जो धुआं निकलता है एक दिन में उतना प्रभावित करता है। किसी ने नहीं सोचा कि हर गरीब के घर में गैस पर भोजन बनेगा। गरीब के घर में गैस पर भोजन बनेगा तो उसको धुएं से जो बीमारी होती है वो बीमारी नहीं होगी। जब बीमारी नहीं होगी तो दवा कराने में पैसा लगता है, वह पैसा नहीं लगेगा, वह व्यक्ति खुशहाल होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, हमारे वित्त मंत्री जी ने संकल्प लिया कि हिंदुस्तान का कोई गरीब नहीं बचेगा, चाहे वो बीपीएल कार्ड धारक हो, अंत्योदय कार्ड धारक हो, एपीएल कार्ड धारक जो भी हो, सबको हमारी सरकार बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देगी। और मैं केवल ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं कि योजना, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने अपने जिले में 40,000 बीपीएल कार्ड, दो मिनट सर, 40,000 बीपीएल कार्ड धारकों को हमने कनेक्शन दिलवाया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना हमारे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बनाई है कि ऐसे जो चूल्हा, जिनके पास चूल्हा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उनको भी हम चूल्हा देंगे और उसको आने वाले समय में जो सब्सिडी हमारी सरकार दे रही गैस पर उससे हम तब तक जब तक चूल्हा का पैसा पूरा नहीं हो जाता तब तक वो देंगे। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि जिस प्रकार की चर्चा लोग करते हैं, गरीबों गरीबी गरीबी गरीबी, आज बजट पर भाषण हो रहा है, जब बजट आता है स्वाभाविक रूप से पूरे देश की निगाहें बजट पर रहती है। तमाम ऐसे मेरे पास आंकड़ा है, मैं पढ़कर, दो मिनट सर, प्लीज सर, दो मिनट मैं समाप्त कर रहा हूं सर। पूरे देश में जब बजट आता है तो तमाम प्रकार की आलोचना होती है, तमाम छात्र संगठन, मजदूर संगठन, किसान संगठन आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हैं। मैं जब बजट के बाद बस्ती में गया तो हमारे तमाम मजदूर संगठन के लोग, किसान संगठन के लोग, नौजवान, तमाम ऐसे लोग आए, मेरा स्वागत किए। उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री ने इस प्रकार का बजट दिया है कि आज सब समाज का सभी वर्ग खुशहाल है, सबको लग रहा है कि ये शुद्ध अर्थों में अगर कहा जाए तो ये किसानों का बजट है, गरीबों का बजट है। मैं अपनी मांग अपने क्षेत्र के बारे में, माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं करके अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी से मैंने पहले बजट भाषण में भी कुछ निवेदन किया था, आज भी मैं निवेदन कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर गन्ना किसानों की। हमारे जिले में भी गन्ना पर आधारित लाखों की संख्या में किसान रहते हैं, वो गन्ना बेचते हैं, उनका पेमेंट नहीं हो पाता है। भारत सरकार ने एक पैकेज दिया था बगैर ब्याज के, उनका पेमेंट सुगर मिलों को करने के लिए पैसा दिया था, उसमें हुआ, लेकिन अभी भी तमाम किसानों का गन्ना बकाया है। गन्ना किसानों के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए, इस प्रकार की मैं मांग करता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक जोन जिसमें 10 साल तक टैक्स पर छूट दिया जाए, इस प्रकार की एक घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी से मैं निवेदन करूं वहां पर करें। और अंतिम रिक्वेस्ट मैं करता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी का आशीर्वाद मुझे मिला, मैं यहां तक पहुंचा, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, मैं यहां तक पहुंचा। माननीय वित्त मंत्री जी से मैं एक निवेदन मैं व्यक्तिगत करके भी किया हूं और सार्वजनिक भी करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी से मैंने कहा कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा करिए, खासकर हमारे बस्ती जिले का दौरा करिए। आप जब बस्ती चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से नीचे क्या क्या समस्याएं हैं, किसानों की क्या समस्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्या समस्या है, इस पर आपका ध्यान जाएगा। आपने मुझे समय दिया, आप सब, आपका और पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।